हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज का जो हम लोग का इसमें टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे दहेज प्रथा के ऊपर, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये अक्सर आप देखते हैं क्लास 10th और 12th में पूछा जाता है, तो इसलिए बोलेंगे आप पहले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद लिखने का कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, अगर आप नए हैं इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो आज का हम लोग का टॉपिक है इसमें दहेज प्रथा के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रस्तावना से शुरू करते हैं वहीं से इसमें भी स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में समस्याओं के बादल नित्य उमड़ते और बरसते रहते हैं, इनमें हमारे राष्ट्र और समाज की घोर क्षति होती रहती है। सती प्रथा व जाति प्रथा की तरह दहेज प्रथा भी हमारे देश समाज की एक ज्वलंत प्रथा है, जिसके समाधान के लिए बहुत कार्य किए जाने पर भी कुछ नहीं हुआ। ढाक के तीन पात के समान सारे समाधान के प्रयास ज्यों के त्यों रह गए हैं। तो क्या बता रहे हैं इसमें कि जैसे कि हम लोग का पहले जो प्रथा प्रचलित था सती प्रथा था, जाति प्रथा था, वैसे ही अभी हम लोग के समाज में क्या सबसे ज़्यादा जो प्रचलित यानी जो उमड़ता हुआ प्रथा वह है दहेज प्रथा, जो कि बहुत ही क्या बोलेंगे बहुत ही ख़राब है, ठीक है। और इसको रोकने का बहुत सारा प्रयास भी किया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं कुछ किया गया है गवर्नमेंट से, लेकिन कुछ भी सक्सेस नहीं हो पाया। अब आते हैं नेक्स्ट में कि दहेज के अर्थ क्या है। तो दहेज के अर्थ है विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष को दिया जाने वाला धन, सामान आदि। इस दान या उपहार का प्रचलन या रिवाज को ही दहेज प्रथा के नाम से आज के युग में अधिक चर्चित और प्रचलित है। नेक्स्ट में है कि दहेज प्रथा का प्राचीन स्वरूप क्या है। इसमें दहेज प्रथा का इतिहास क्या है यह कहना बड़ा कठिन है। इस प्रसंग में इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि दहेज प्रथा बहुत पुरानी प्रथा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी को राजा जनक ने बहुत धन द्रव्य आदि दहेज स्वरूप भेंट किए थे। इसके बाद द्वापर युग में कंस ने अपनी बहन देवकी को बहुत सारे धन वस्त्र आदि दहेज के रूप में दिए थे। फिर कलयुग में तो इस प्रथा ने अपने प्रकोपों को बढ़ाकर चकित ही कर दिया है। परिणाम स्वरूप आज यह अत्यधिक चर्चित और निंदित राष्ट्रीय समस्या बनकर हर प्रकार के समाधान को ठेंगा दिखाने लगी है। यानी क्या बता रहा है इसमें कि दहेज प्रथा जो था ये भगवान श्री राम के समय से आ रहा है, लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम कुछ भेंट में दिया जाता था। उसके बाद द्वापर युग में जो आया कंस ने भी दिया था अपनी बहन देवकी को, लेकिन कलयुग में इसमें कुछ ऐसा भेंट नहीं है, इसमें ज़बरदस्ती मांगा जाता है, कितना चाहिए नहीं तो नहीं होगा। फिर इसी हिसाब से बोल रहा है कि हर प्रकार के समाधान को ठेंगा दिखाने लगी है, लेकिन मतलब ये जो प्रथा है ये रोकने का नाम नहीं ले रहा है। तो नेक्स्ट में है दहेज का आधुनिक स्वरूप। दहेज का आज वो स्वरूप नहीं रहा जो शताब्दी पूर्व था। दूसरे शब्दों में दहेज के स्वरूप आज बहुत ही विकृत और कलुषित हो चुका है। आज दहेज एक व्यापार या पूंजी के रूप में स्थापित होकर अपनी सभी प्रकार की नैतिकता और पवित्रता को धूमिल करने से बाज नहीं आ रहा है। क्या बता रहा है इसमें कि अभी जो आधुनिक टाइम में दहेज प्रथा क्या है, ये बहुत ही कुलुषित यानी बहुत ही खराब प्रथा के रूप में उमड़ कर आया है। अभी इसमें जो नैतिकता और पवित्रता था वो सब बेकार चला गया है। ये था हम लोग का आज का टॉपिक दहेज प्रथा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।